नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अद्भुत और महत्वपूर्ण यंत्र के बारे में, श्री पंचमुखी हनुमान यंत्र। ये यंत्र है लॉर्ड हनुमान के पांच मुखों का प्रतीक, जो हमें देने वाला है उनकी शक्ति, ज्ञान और आशीर्वाद का संदेशा। श्री पंचमुखी हनुमान यंत्र एक बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली यंत्र है। इस यंत्र को धारण करने से हम अपने जीवन में उनकी अनेक शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये यंत्र क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे कैसे उपयोग करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। श्री पंचमुखी हनुमान यंत्र एक खूबसूरत और प्रभावशाली यंत्र है, जिसमें लॉर्ड हनुमान के पांच मुखों का चित्रण किया गया है। ये यंत्र एक सुंदर लकड़ी के आधार पर बनाया गया है और इसके साथ एक शुभ लाल धागा भी दिया जाता है। इस यंत्र को घर में स्थापित करने से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। लॉर्ड हनुमान के पांच मुखों में से हर एक का अपना खास महत्व और अर्थ है। आइए इन पांच मुखों के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। हयाग्रीवा यानी घोड़े का मुख। लॉर्ड हयाग्रीव का मुख हमेशा आकाश की तरफ देखता है। ये हयाग्रीव मुख उचित ज्ञान प्रदान करता है, सद्भावना उत्पन्न करता है और अच्छे संतान का आशीर्वाद देता है। भक्तों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साह और जुनून मिलता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। नरसिंह यानी सिंह का मुख। लॉर्ड नरसिंह का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है। ये मुख भयमुक्त करके भक्तों को हर प्रकार के डर से मुक्ति दिलाता है, आपों से दूर रहने में मदद करता है और बुराइयों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अवतार की पूजा से भक्तों को विजय और निशांतता का आशीर्वाद मिलता है। गरुड़ यानी चील का मुख। गरुड़ का मुखा पश्चिम दिशा की तरफ होता है। ये अवतार सभी प्रकार की नैतिकता, काली विद्या और बीमारियों को दूर करता है। लॉर्ड वराह का मुख उत्तर दिशा की तरफ होता है। वराह मुख भक्तों को हर प्रकार की संपत्ति और समृद्धि से नवाजता है। हनुमान का वानर मुख। लॉर्ड हनुमान का मुख पूरब दिशा की तरफ होता है और ये अपने भक्तों को खुशी और उनकी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री पंचमुखी हनुमान यंत्र का सही तरीके से उपयोग करने के लिए इसे अपने घर या ऑफिस में किसी शुभ और प्रभावशाली जगह पर रखना चाहिए। ये जगह हो सकती है आपकी पूजा की थाली, ध्यान स्थल या फिर आपके डेस्क पर भी। यंत्र को स्थापित करने के लिए पहले इसे गंगाजल से शुद्ध करें और फिर इसे शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। आप यंत्र पर ध्यान करते हुए कुछ साधना भी कर सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ या फिर पुष्पांजलि और धूपदीप का अर्पण। ये साधना आपको लॉर्ड हनुमान के दिव्या तेज से जोड़ने में मदद करेगा और उनकी कृपा आपके जीवन में लाने में। यंत्र के साथ कुछ सरल रोज की क्रियाएं भी की जा सकती है, जैसे रोज सुबह और शाम यंत्र के सामने दीपक प्रज्वलित करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, प्रतिदिन लाल फूलों का अर्पण करना। श्री पंचमुखी हनुमान यंत्र के उपयोग से आपको मिलेंगे अनेक लाभ और फायदे। ये यंत्र आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। आइए इन फायदों को डिटेल में समझते हैं। शक्ति और साहस। यंत्र आपको देता है लॉर्ड हनुमान की हिम्मत और साहस की शक्ति, जो आपको दुश्मनों से लड़ने में मदद करती है। इस यंत्र को अपने पास रखने से आप अपनी हिम्मत और साहस को प्रकट कर सकते हैं। ज्ञान और बुद्धि। यंत्र आपको देता है लॉर्ड हनुमान के ज्ञान और विवेक की शक्ति, जो आपके फैसलों में सही सोच समझ लाता है। ये यंत्र आपके मन को शुद्ध और पवित्र रखने में मदद करता है। भक्ति और समर्पण। यंत्र आपको देता है लॉर्ड हनुमान की भक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना, जो आपके जीवन में शांति और सुख लाता है। इस यंत्र की कृपा से आप अपनी भक्ति को और मजबूत कर सकते हैं। माया से मुक्ति। यंत्र आपको देता है लॉर्ड हनुमान की माया से परे जाने की शक्ति, जो आपके मन को शुद्ध और पवित्र रखने में मदद करती है। ये यंत्र आपको माया से दूर रखने और एक पवित्र जीवन जीने में मदद करता है। करुणा और रक्षा। यंत्र आपको देता है लॉर्ड हनुमान की करुणा और अपने भक्तों की रक्षा करने की शक्ति, जो आपको हर मुश्किल में साथ देती है। ये यंत्र आपको हर कठिनाई से बचाने और अपने भक्तों की सुरक्षा करने में मदद करता है। दोस्तों, श्री पंचमुखी हनुमान यंत्र एक अद्भुत और महत्वपूर्ण यंत्र है, जो हमें लॉर्ड हनुमान की अनेक शक्तियां देता है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें रेमेडी वाला यूट्यूब चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए।